कमेटी के जो लोग तजवीज किए गए हैं वो क्या लोकल काउंसलर के भी होने चाहिए? वो और इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं कि ये एक्शन आप लोगों को तमाम होगा और अमन होगा। इंतजामिया इंशाल्लाह इसमें फोकस करें, इंतजामिया जो है वो हर जगह पर इंशाल्लाह पहुँचेगी, जहाँ किसी की तरफ से कोई शिकायत होगी वहाँ पर इंतजामिया का मायदा भरपूर से पहुँचेगा, पूरे पहुँचेगा। आपको ये बिल्कुल इस पर इतमाद होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इस हवाले से वादा तौर पर हुक्म दिया है कि किसी जगह से धांधली की या बदमाशी की कोई शिकायत नहीं आनी और इंशाल्लाह ये नहीं आएगी। जो इलाके आप लोग को इलाके बहुत करीब नहीं है ना, यहाँ पे सफर करना, गाड़ी का भेजना, पुलिस का भेजना, मजिस्ट्रेट का जाना मुश्किल ही है, 10 मिनट में आके वहाँ पहुँच जाता है। लखराबाद के में आप यकीन करें कि 3 बोलन सीटें ऐसे थे जहाँ मेरे पास से थे 20 बोलन सीटें, 3 में 20 में से 3 ऐसे थे जहाँ पर 2 घंटे का सफर था, यहाँ से सात बार नजदीक है वो स्टेशन दूर थे, कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने बहुत अच्छी मदद से डाला है, ब्लड डाले, लोगों ने ब्लड सुने, ब्लड सुनने के बाद शायद किसी एक जगह वाक्य हो गया, वहाँ पर बहुत सख्त एक्शन हुआ, बहुत सख्त एक्शन हुआ वहाँ पर बारे में ब्रेक किया। बाकी किसी जगह पर कोई फायदा नहीं हुई, कोई किसी जगह कोई किसी के साथ कोई नारेबाजी नहीं की, अच्छे तरीके से ब्लड सुना आपने तो वापस ये होती है जमहूरियत। लेकिन जाती जमहूरियत तो आ गया है वैसे जम के, इसका मकसद यह है कि हमें लोगों को बाहर दे दें एहतराम पर पूछ कर लेंगे है, अगर ये लोग बादशाह होंगे इनका अहमियत होगी तो फिर जाके मुमकिन होगा। बारह इसमें जो करने वाली बात यह है कि आपने जिस तरीके से नजराबाद के इलेक्शन देखे हैं या वहाँ पर इलेक्शन हुए, मुझे पूरी उम्मीद है उसके मुकाबले में मीटर के इलेक्शन ज़्यादा बेहतर होंगे, जहाँ के लोग ज़रा रिश्ता से जरूर चलते हो, जहाँ के लोग पास बहुत प्रबल है, बात सुनने वाले हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो होती है वो बातचीत से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उदाहरण हादसा ये होती है उसका ग्राउंड इंशाल्लाह अपना रास्ता लेगा। लेकिन मेरे इसमें एक गुजारिश है कि आप सब लोगों को अनुरोध करें इलेक्शन के माहौल को बहुत कानून रखना है, भाईचारे के खिलाफ कह रखी हैं और बाकी जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके साथ काम करना है। अगर किसी के पास कोई इतरा का मामला आपको शिकायत होती है तो उसमें प्लीज़ वो अपने जो सही इतरा है वो दे दें, ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है, मैंने पूरा स्टडी किया कि इलेक्शन कैंपेन का जो जानिया है वो बहुत प्रॉब्लम है और इस आगे भी सारा प्रॉब्लम रहेगा। इसमें आप लोगों ने कोशिश करी है हाथ खाए उम्मीदवारों साहबान हैं या बाकी उनके एजेंट्स हैं या बाकी इलाके के मौजूद लोग हैं, ये कोशिश करें कि इस इलाके में इलेक्शन को प्रॉब्लम बनाने के लिए आपने अपना किरदार अदा करें। ये चीज़ें शायद हिस्ट्री बनती हैं, तारीख बनती है, तारीख इस तरह बनती है कि इलेक्शन प्रॉब्लम होंगे बेहतर होंगे आइना भी इलेक्शन होते रहेंगे, एक कौम का एतबार बन जाएगा कि कश्मीर की कौम अपने इलेक्शन करवा सकती है, ये बगैर मसीह के भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन नफरी की सलाह होगी आर्मी का रस्मी पहुँचेगी, मजिस्ट्रेट पहुँचेंगे, कोई किसी को इस तरह कोई डरने वाली कोई खौफ वाली कोई सोच नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मेरी दोबारा यही गुजारिश है, देखें जी फुटबॉल का इवेंट हुआ कतर, इंटरनेशनल इवेंट था, कतर छोटी सी जगह है, 25 लाख आबादी की रियासत है, राष्ट्र की आबादी 46 लाख है, उन्होंने हाई टूर्नमेंट वो फुटबॉल का कराया टूर्नामेंट वर्ल्ड कप और पूरी दुनिया में कतर के बल्ले बल्ले हो गए। अगर हमारे राशन अच्छे हो गए पीसफुल हो गए तो पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी अच्छा खासा जुड़ेगा, ये कश्मीरी कौम एक समझदार कौम है, बाशूर है, तलीम जाता है और ये अपने राशन को दुनिया टूर्नामेंट तौर पर करवा लिया। इसलिए मेरे आखिर में तरह यही गुजारिश है कि इस राशन को तुरंत अमन बनाने में तो इंतजामिया के साथ हैं, इंतजामिया आपके साथ है, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का मसला और शिकायत हो बात हो ऐसी तरीके से ताकि जैसे जिनको पोलिंग अच्छी हुई है इंतजाम भी अच्छा हो, लेकिन अगर कहीं छोटा मोटा हो जश्न जो है वो एक दायरे के अंदर रखते हुए तो दूसरे को किसी की जीत भी तस्लीम करनी चाहिए, इसमें दोनों तरीके के अंदर बर्दाश्त होना चाहिए। तो मैं मुल्तमी से जनाब तस्लीम साहब के वो करा।
इलेक्शन की वजह से बहुत बढ़ चुकी है, मैं आप शुक्रगुजार हूँ। तो साथ ही साथ ये आपकी आज की इस तकरीर में, इस मीटिंग में, इस मशावरती इजलास में इस बात की गवाही करता है कि आप माशरे के वो अफराद हैं जो कि अमन की तरह अमन में ही सलामती है, बका है, इवेंट्स आते रहते हैं, एक्टिविटीज होती रहती है, इलेक्शन है, अगर ये 31 साल के बाद आ रहा है मगर ये एक दिन रहेगा तो ख़त्म होता है। आठ के बाद आप तमाम अहबाब को इसी माशरे में, इसी सोसाइटी में, इसी गिरदरबार में रहना है। खुशियाँ, गमियाँ, मौत, मर्द, रिश्ते नाते सब आपके कान में बन रहे हैं। कोशिश कीजिए कि इलेक्शन की असरात आपके रिश्तों नातों, आपके ताल्लुक वास्ते और आपके दूसरे से मुँह लगने के ऊपर होता है। अगर जो एक ज़माने तक ये इलेक्शन मातम रहे, इस बुनियादी वजह को सामने रखते हुए कि ये सोसाइटी के अंदर कितना अंग्रेजी फैलाएंगे, खून खराबा होगा, कत्लबादत होगी, नाराज़गी होगी, मगर कश्मीरी कौम चूँकि एक इंतहाई बाशऊर कौम है और सियासी लिहाज से आप बेदार भी हैं, साहिब बसीरत और फहम फरासत के मालिक भी हैं। 31 साल के बाद इस एक्टिविटी के स्टार्ट होते हुए भी अगर आज देख लेंगे तो तकरीबन 2 महीने इस पोलिटिकल कम्पेन में हो चुके हैं और इंतजामिया के पास अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि जिसके अंदर किसी उम्मीदवार ने कोई ऐसी बड़ा गलती की हो या ऐसी बड़ी उसे कोई सोसाइटी को थ्रेट हुई हो। छोटी मोटी बातें तो लगी रहती हैं, होती रहती हैं, मगर अभी तक आप लोगों ने एक बड़े अमन का मुजाहरा किया और थोड़ी सी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी मुझे नज़र आई वो भी आज आगे छात्रों में ही नजर आई, बाकी तहसील में खासी खामोश है। अब ये जो इंतखाबात है इसको अपनी जिद में लड़ा का मसला नहीं होना चाहिए। एक बायसित मुसलमान है, तमाम लोग उनका ईमान है कि इज्जत और जिल्लत के फैसले रब्बुल आलमीन के हाथ में हैं, जिसके सर पे चाहता है इज्जत की पगड़ी सजा देता है, जिस पे चाहता है उससे रोक देता है और अल्लाह ही अपने बंदों के दिल के अंदर किसी भी उम्मीदवार के लिए एक मोहब्बत डाल देता है या उस उम्मीदवार का जो सबका किरदार है उसकी वजह से लोग उसकी तरफ मायल हो जाते हैं। ये कोई कुफर और शिर्क का मार्का नहीं है, इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं है कि इसमें हम लोग इतने इन्वॉल्व हो जाए कि किसी उम्मीदवार के लिए अपनी और अपनी आने वाली नस्लों को दाव पर लगा। आपने देखा होगा आज से पहले बेशुमार इलेक्शंस के अंदर किसी ने अगर कोई गलती की तो उसकी नस्लों को, उसके खानदान को कई सालों तक उस गलती का खुमियाजा होता। फिर मुझे क्या जरूरत है अगर मैं भी एक वोटर सपोर्टर हूँ कि मैं एक उम्मीदवार के लिए अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब और साथ ही साथ उम्मीदवार के ऊपर भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जिन इस हल्का इंतखाब से इलेक्शन लड़ रहा है वो उनका, उन तमाम लोगों का वो रहबर भी है, पानी भी है, मालूम भी है, मर्जा भी है, वो लोग उसकी रैयत में शामिल है, उसकी हिफाजत भी उसकी रैयत में शामिल है, रैयत की हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी है। तो उम्मीदवारों को भी चाहिए कि वो जो अपनी कंपेन कर रहे हैं या कल वो अपने इलेक्शन एजेंट लगाएंगे, पोलिटिकल एजेंट लगाएंगे, तो वो ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो संजीदा हों, जो बुर्दबारी का मुजाहरा करने वाले हों, जो मामला फहम हों, जो सुलह जो जो उसके कौम इलाके में मोहल्ले में अमन अमान के दाई शरीर अनासर से इनाज किया जाए क्योंकि इलेक्शन खत्म होने के बाद आपने इसी सोसाइटी का हिस्सा। अगरचे ये बात भी है कि फोर्स की कमी है मगर ऐसी कदम कोई बात नहीं, इंशाल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर की फोर्स यहाँ पर आ जाए, बेशुमार फोर्स होगी या पोलिंग स्टेशन के ऊपर फोर्स होगी और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बदलने के बाद हो सकता है कि हमें वहां से भी कोई फोर्स मिल जाए, मगर जो अमन का क्याम है वो कभी भी फौजों के, अफवाज के और वर्जी के मरने में नहीं रहा, क्योंकि फौजें हमेशा महदूद हो सकती हैं, फोर्सें महदूद हो सकती हैं, गडियाल थाना 30 लोगों की काफी डेढ़ 2 लाख की आबादी है, यहाँ अमन कायम रखने में मजीन इलाका का, आप जैसे सफेद बारिश चेहरे और लोगों का, सुलह जो लोगों का हमेशा किरदार है, आप अपने गली मोहल्ले इलाके के अंदर हमेशा से किरदार अदा करते हैं, छोटे मोटे मसायल को मैनेज कर लेते हैं, कहीं पंचायत लगा लेते हैं, कहीं म्यूनसिपी कर लेते हैं और मसायल को खत्म करते हैं। वैसे भी अब दुनिया में कोई भी मार्का है, तलवार और बंदूक का दौर खत्म हो चुका है, अब कोई भी चीज़ है तो वो डायलॉग से, बातचीत से, गुफ्तगू शरीद से आती है, गुफ्तगू शरीद हर मसले का। इलेक्शन कोई ऐसा मुहिम नहीं है, कोई ऐसा मार्का नहीं है जो चढ़ दौड़ने की जहाँ जरूरत हो, बल्कि पॉलिटिकल प्रोसेस है, हर शख्स को याद कर कि वो अपनी
अपनी जो उसकी जमीन जिसको मुतमिन है वो उसको इंतखाब करें, जिसको बेहतर समझता है उसका इंतखाब करें। इस इलेक्शन को शफाफाना, मुनसिफाना, गैर जानबदारा और पुरअमन बनाने के लिए हम तमाम अहबाब को मिलकर किरदार अदा करें, और ये किरदार ही जो है ये आइंदा इस इलेक्शन प्रोसेस की कंटिन्यूटी पर डिपेंड, इस पर डिपेंड करें। 31 साल के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि आइंदा भी क्या है कि आप क्या देंगे, ये चले या ना चले या रुक जाए, आपका किरदार, आपका इलेक्शन वाले दिन, आपका रवैया, आपकी सोच, आपका दर्द और फिक्र होता है वो इस इलेक्शन की कंटिन्यूटी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और आज की दुनिया का वैसे भी रसूल है कि हर चीज़ को सवाल है, आज की जीत कल की हार है, कल की जीत आज की हार हो सकती है। अगर आपका कोई भाई जीत जाता है, आप तमाम लोग एक ही इलाके से, आपके मुकाबले में जो कैंडिडेट है वो आपका कज़न है, वो आपका भाई है, वो रिश्तेदार हो सकता है, मल्लेदार हो सकता है, इलाके का तो है ही है, कोई ऐसी बात नहीं वो बाहर से आने वाला है आपके मुकाबले में लड़ रहा है, तो आपको उसकी जीत, अगर वो जीत रहा है तो उसकी जीत को भी कुछ दिली और फराग से अंदर परेशानी से एक्सेप्ट करना चाहिए और याजम करना चाहिए कि मैं आज के बाद मजीद कोशिश करूँ, ना कि आप किसी शब्द की तरफ किसी खून खराबे की तरफ जाए, वो आपके लिए और तमाम इलाके के लिए, तमाम लोगों के लिए नुकसान दे। अमन कमेटी को और आप अहबाब को बनाने का मकसद ये था कि आपसे ये पैगाम आप तक पहुँचाएँ कि जो इलेक्शन डे है उस पर आप अपने अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपका जो जिम्मेदारा किरदार बनता है वो अदा करें। तकरीब कारी की तरफ जाने का आज से पहले आप तमाम लोग उससे उम्र रख सब लोग बढ़े, आपको पता कि तकरीब कारी का हमेशा नुकसान ही हुआ, कभी किसी को फायदा नहीं, कभी किसी को फायदा नहीं, और अमन में फ़ायदे ही फायदे हैं, बका है और सलामती है। मैं उम्मीदवारों से खास तौर पर मुख्तिस हूँ कि आपका किरदार सबसे बढ़ गया, क्योंकि तमाम लोग जो आपके वोटर सपोर्ट करें वो आपकी पहल नहीं करते, आपको खासतौर पर आपकी पॉलिटिकल इलेक्शन एजेंट नॉमिनेट करते हैं इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के ऊपर, उसका किरदार बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और साथ ही साथ जो आपके किसी भी पोलिंग स्टेशन पर आप लोग अपनी तरह से भी लोगों को नॉमिनेट करें, हर पोलिंग स्टेशन वाइज ऐसे लोग तो बहुत बड़े हैं तो आम लोगों के लिए काबिल एहतराम है, उन्हें सुलह जुटाए लोगों ने उनको बताएं कि आपने अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर अमन अमान कर रखा है, ताकि इलेक्शन पूरा अमन तरीके से हो जाए, ये प्रोसेस चल पड़े, बुनियादी जमहूरियतों का जो उसके फायदे और समरात हैं वो आवाम को पहुँचे, आवाम को की बुनियादी हकूक के लिए आप यकीन खुद के दस गए किस्मत के आपका किरदार इससे पहले भी बड़ा नुमाया किरदार रहा है, और ख़ासतौर पर चूँकि पूरी रियासत के अंदर जो हरियाणा घड़ियाल है आपका एक बड़ा मकान है, आप मुमताज़ और मुनीस दोनों उसकी मुख्तलि वजुहत है, और आप हमारा वो चेहरा है जो सिर्फ यहाँ पर नहीं है बल्कि बैरून मुल्क भी आप लोग के नुमाइंदे हैं, तो मसला कश्मीर को उजागर करने में जो हर चीज़ का आप लोगों का एक किरदार है, तो आप लोगों का अगर मुजहराबाद में रहते हैं मीडिया सोसाइटी में बात की कि वहाँ पर भी बड़े सख्त हालात के सामने बड़े बेहतरीन और पुरअमन मुजहराबाद में काम कर रही है, उसमें भी सोसाइटी ही का किरदार, तो आपका किरदार उनसे ज़्यादा बढ़कर मिसाली होना चाहिए, पूरी रियासत आप और हरियाणा नडियाल और हरियाणा मीरपुर जो है ना पूरी रियासत का चेहरा है, आप हमारा फेस है पूरी रियासत, आप जो इज्जत की पगड़ी है वो आपके सर से, आप हमारे दस्तार हैं, ये आप तमाम अहबाब से मेरी रिक्वेस्ट भी है, मेरी तमिश भी है, और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप तमाम अहबाब अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर अपने अपने हल्का रियासत के अंदर हल्का अहबाब के अंदर अमन सुलह जोई मामला फहमी का पैगाम ये पहुँचाएँगे, इसके लिए कोशिश कावश भी करेंगे, भी रजिस्टर हो सकते हैं जैसे लोकल काउंसिलर के भी नहीं है। तो वैसे अमन कमेटी के जो लोग तजवीज़ किए गए हैं वो क्या लोकल काउंसिलर के भी होने चाहिए? वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर के अमन कमेटी के मेंबर नहीं है, तो अस्तीम साहब इसको अगर मेरी बात में कोई इजाफा करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, वो हर पोलिंग स्टेशन के हैं, वो किसी एक कैंडिडेट के नहीं है, हर पोलिंग स्टेशन पे चार चार लोग बनाए, राबता कमेटी या अमन कमेटी या उसको जो भी आप नाम दे, वो किसी एक उम्मीदवार या किसी एक पार्टी के नहीं है जी, वो एक पोलिंग स्टेशन के चार चार लोग रखे। थैंक यू मैम, मेरा सवाल इसी इसी के मुताबिक था कि जो हर पोलिंग स्टेशन पे
वो किसी एक मखसूस उम्मीदवार या मखसूस जमात के लिए बल्कि एक पोलिंग स्टेशन पे चार चार लोग अमन कमेटी या राबता कमेटी है जो भी उसको आप नाम दे रहे हैं उसके के साथ अल्लाह ताला आपको इस मरले में अमन और सख्ती के साथ इस मरले को निभाने की तौफीक ज्यादा हमें आपस में मोहब्बत और दंगल के साथ इस मरले को गुजारने की तौफीक अता फरमाना या अल्लाह पाक मैं दुआ करता हूँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर में जहाँ जहाँ ये इलेक्शन हो रहे हैं अमन और समृद्धि के साथ हो रहे हैं और मैं इंतजामिया के साथ उनका मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्हें आपके घर आकर आपके लिए आपकी बेहतरी के लिए ये इकदाम उठाए हैं। अल्लाह ताला इनके इस इकदाम को अपनी मर्ज़ी में कबूल करे। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल बसीर।